चैनल गुड मॉर्निंग, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज हम हैं अभी भोपाल में और थोड़ी देर में निकलने वाले हैं रायसेन के लिए। जब मालवा की शुरुआत हुई थी, कहानियों में जाएंगे तो आपको पारस पत्थर की एक कहानी सुनाई देगी कि एक पारस पत्थर खोजा गया था जिससे मालवा का इतिहास पूरी तरीके से बदल गया था। जिस भी चीज़ में उस पत्थर को टच करवाते थे लोहे पे तो वो सोना बन जाती थी। वो जिस किले से शुरू होती है वो है रायसेन का किला। तो आज जाने वाले हैं रायसेन के किले में, कैसी रहेगी यात्रा आपको रास्ते में दिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रायसेन की यात्रा। तो शुरू करते हैं रायसेन के किले की यात्रा भोपाल से। है 12 बजे के आसपास, ये रास्ता जाता है पिपलानी की तरफ। इंद्रपुरी और पिपलानी का ये जो इलाका है वो हमारे समय में गर्ल्स हॉस्टल की संख्या के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ बहुत सारे गर्ल्स हॉस्टल थे। अरे पेट्रोल टंकी ही मिल गई, यहाँ भरवा लिया गया। थोड़ा सा आगे ठीक है, इतना ठीक है ना। यहाँ से निकल चले हम हवा भरवा के पटेल नगर आनंद नगर की ओर। वहाँ से ओरिएंटल कॉलेज था, हाँ यही ओरिएंटल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। तो आई तो दाएँ जाएंगे तो भोजपुर, बाएँ जाएंगे तो इंदौर वाले बाईपास में, और सीधे जाएंगे तो रायसेन लक्ष्मी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी LLCT। अगर आप द्विपदी हैं दोपहिया वाहन तो फिर आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा, सीधे जाते हैं। फिर खेरवार नहीं, खरबई, राय से लोग खरबई सुंदर। मुझे तो अपने को राय से जाना है, अपन राय से जाएंगे। राय से ऐसे हरे भरे रास्तों के बीच से गाड़ी चलाने का मजा ही कुछ अलग होता है। तो इस समय यात्री प्रतीक्षालय रतनपुर के पास खड़े हैं। यहाँ से दिखा रहा है लगभग 4 किलोमीटर का रास्ता है, 8 मिनट में पहुँच जाएंगे और फिर कुछ चढ़ाई है। तो यात्रा तय की जाए आखिरी के 4 किलोमीटर रतनपुर से रायसेन। रतनपुर से निकल चुके हैं, आखिरी के 4 किलोमीटर के रास्ते को तय कर लिया गया है। और सामने जो ऊंची पहाड़ी दिखाई दे रही है वही एक किला, एक पूरी ऊंची पहाड़ी पर ही किला बसा हुआ है। तो ये पहुंच गए हैं डीएम रायसेन किला, 1.8 किलोमीटर किला बहुत मार्ग यहाँ है 1 किलोमीटर। ये आ गए हैं हम रायसेन के किले के नज़दीक। हर गालिब यही गलती करता रहा, धूल चेहरे पे रही और आईना साफ करता रहा। इस वक्त भी कुछ ऐसी हालत है कि चेहरे पे धूल है और आईने में भी धूल है, पता नहीं अब चेहरा साफ करे कि आईना साफ करे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द बंजारा मैन में। और इस वक्त हम हैं रायसेन किले के ठीक तलहटी पे। यहाँ से शुरू करने वाले हैं किले की यात्रा और दिखाएंगे कि किला कैसा है। इस यात्रा में जो जो भी जगहें आपको रास्ते में मिलती जाएंगी मैं आपको बताता जाऊंगा और बाकी की जानकारी आपको वॉइस ओवर में मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं रायसेन के किले की यात्रा। कुछ खड़ी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम पहले हैं पहुँचे पहले इस प्रवेश द्वार पे। तो यहाँ से अंदर चलते हैं अगले प्रवेश द्वार की तरफ। पहले दरवाजे से आने के बाद हमको मिलता है ये दूसरा दरवाज़ा और दूसरे दरवाजे के ठीक सामने वो तीसरा दरवाज़ा है। ऐसे यहाँ कुल लगभग 6-7 दरवाजे हैं जिनको चढ़ने के बाद ऐसे आकार में आप आड़ी तिरछी चढ़ाई चढ़ने के बाद फिर आप किले में ऊपर पहुँचेंगे। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि सुरक्षा की दृष्टि से बहुत पैना है, अगर कोई भी कहीं से भी आता है तो आपको कई स्तर पर चढ़ाई करनी पड़ेगी, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से बहुत तगड़ा किला है ये। अरे
तो ये है किले का तीसरा प्रवेश द्वार और इसके चारों तरफ सैनिकों के बैठने के लिए और सुरक्षा पहरेदारी के लिए ये जगह बनाई हुई थी। यहाँ से मजबूत किलेबंदी के लिए और देखरेख के लिए सैनिक और क्षेत्र रक्षक यहाँ तैनात रहे। चलते हैं यहाँ से ऊपर की तरफ। और ये सीढ़ियाँ हैं। ये कुछ प्रवेश द्वार से कुछ ऐसा दृश्य नीचे की तरफ दिखता है। सब्सक्राइब कर लो। किले के पूर्वी भाग पे हैं और यहाँ से जाते हैं दर्शन करने के लिए। किले की बहुत सारी इमारतें जो हैं लगभग लगभग खंडहर पूरी तब्दील हो चुकी हैं। आज बहुत सारी इमारतें खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। इनके अवशेष अभी भी देखे जा सकते हैं कि इनका स्ट्रक्चर कैसा रहा होगा अपने समय में।
महल की इमारतों को दोबारा सपोर्ट देने के लिए एसआई ने इन खम्भों का इस्तेमाल किया है और इन खम्भों से ये जो पिलर्स हैं इनकी छत को एक सपोर्ट दिया गया है ताकि ये इमारत गिरे ना, क्योंकि समय के साथ ही जर्जर हो चुकी हैं और इनको सहारा देने की ज़रूरत है। इसलिए एसआई ने बहुत अच्छा काम किया है, यहाँ इन खम्भों को खड़ा किया है। और फिर यहाँ से आप दूसरी मंजिल में पहुँच सकते हैं। ये पूरा परिसर जो है वो दो मंजिला है। प्रथम तल जो इसको ग्राउंड फ्लोर कहते हैं वो है, और उसके बाद फिर ये ऊपर एक फ्लोर है। इस ऊंची छत को आप देख रहे हैं, इसको कैसे इन चारों तरफ से इन स्तंभों और जिसको कहते हैं कॉलम एंड बीम्स की सहायता से इनको खड़ा किया गया है। और फिर ये गोल गुंबज, ऐसे इस इमारत में कई गोल गुंबज हैं जिनको इन कॉलमों बीम्स और पिलर की सहायता से खड़ा किया गया है। इमारतों के कुछ हिस्से हैं जो खंडहर में तब्दील हो चुके हैं, पूरी तरीके से खंडहर। और ये इनके जो अवशेष हैं इस पूरे रास्ते में बिखरे पड़े हुए हैं। इन्हीं को रास्ता समझ लीजिए, इन्हीं को आने जाने का मार्ग। पारस पत्थर की खोज में न जाने कितने तांत्रिकों ने और कितने लोभियों ने इन खंडहरों और गुफाओं का खोजा है। कहीं ना कहीं आपको तांत्रिकों की मौजूदगी से पता चल ही जाएगा। ये भटकाते हुए और हम भी निकल पड़े इन रास्तों से, नीचे की ओर जाने वाले रास्ते में। तो ये थी रायसेन के किले की यात्रा। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। कैसा भी लगा हो, अच्छा, ख़राब, बुरा, बहुत अच्छा, बहुत ख़राब, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। क्या सुधार करना चाहिए वो बताइए, ताकि अगले वीडियो में सुधार कर सकूँ। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, साथ बनाए रखिए और देखते रहिए द मंजारा मैन को। धन्यवाद। राव राव।